तो बच्चों, आज हम क्लास 12th का चैप्टर इंटीग्रल्स पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सेकंड पढ़ाई जाएगी, यानी कि इस चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज, जो क्या है, एक्सरसाइज 7.2, ठीक है। बच्चों, इस एक्सरसाइज का सबसे पहला जो सवाल है वो क्या है, इंटीग्रेट करो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स को, ठीक है। बच्चों, ये जो इंटीग्रेशन होगी वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t ले लेंगे। अगला स्टेप क्या होगा, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t, यानी कि dy dt ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dy dt ऑफ t। इतना समझ में आया? अब बच्चों, 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x। इसके बाद बच्चों, x को भी करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे, dx बाई डी टी इक्वल टू, बच्चों dt बाई डी टी की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो यानी कि dx बाई डी टी 2x dx बाई डी टी किसके बराबर आएगा बच्चों, 1 के बराबर। इसका मतलब जो dx की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बच्चों, dt अपॉन 2x। इतना समझ में आया? अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, हमको जो वैल्यू निकालनी थी, किसकी निकालनी थी, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स की, ठीक है। तो बच्चों, इंटीग्रेशन का साइन तो ऐसे रखेंगे, 2x को भी ऐसे रखेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट की जाएगी बच्चों, t, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करी, t, और जो dx है उसकी जगह पर क्या पुट करेंगे बच्चों, dt अपॉन 2x। ये 2x और 2x क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल, तो यानी कि इंटीग्रेट किया जाएगा सिर्फ किसको, 1 अपॉन t को, किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन डी डी टी। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन डी डी टी कितना होगा बच्चों, लॉग टी, और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट जुड़ेगा प्लस सी। अब टी की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर आएगा, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, जो फाइनल आंसर आया, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन सबके समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बात करेंगे बच्चों सेकंड क्वेश्चन की। इसी एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, इंटीग्रेट करो लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स को, ठीक है बच्चों, लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स को इंटीग्रेट करो एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन तो ये रहा। अब इसे भी किससे सॉल्व किया जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। एक प्रॉपर क्या बनानी पड़ेगी, फॉर्म या फिर कोई फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले बच्चों, हम लॉग एक्स को क्या ले लेंगे, टी ले लेंगे। अब इस क्वेश्चन को, सॉरी, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया जाएगा किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये डब्ल्यू आर टी का मतलब बच्चों विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, डब्ल्यू आर टी का मतलब विद रिस्पेक्ट टू है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसका मतलब डी बाई डी टी ऑफ क्या होगा बच्चों, लॉग एक्स, वो किसके बराबर आएगा, डी बाई डी टी ऑफ टी। इतना समझे? अब लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता था, 1 अपॉन एक्स, तो इस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, 1 अपॉन एक्स। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग ये एक्स भी डिफरेंशिएट होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी लिखी जाएगी, dx by dt। अब बच्चों, dt का डिफरेंशिएशन अपॉन dt, मेरे कहने का t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, 1, तो बच्चों यहां से जो dx की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, x dt। इतना समझ में आया? अब इसके बाद बच्चों, हम जो इंटीग्रेट कर रहे थे किसको कर रहे थे, लॉग एक्स के होल स्क्वायर
अपॉन एक्स को किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के ही रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो जो लॉग एक्स है उसकी वैल्यू क्या पुट की जाएगी बच्चों, टी। तो क्या आएगा, टी का स्क्वायर अपॉन एक्स को एज इट इज रहने दिया, और डीएक्स की वैल्यू क्या पुट कर दी बच्चों, एक्स डी टी। तो बच्चों एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि क्या बचेगा, सिर्फ इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी। इतना समझ में आया। अब बच्चों टी का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी का क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी। कौन सा फॉर्मूला लगा, एक्स की पावर एन का, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और टी की वैल्यू क्या थी बच्चों, लॉग एक्स। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों क्या आएगा, लॉग एक्स का होल क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी। ये क्या आ गया, फाइनल आंसर। ठीक है। अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन बच्चों इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है वो क्या है, इंटीग्रेट वन अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के ही रेस्पेक्ट में, यानी कि इंटीग्रेट वन अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में एक्स को कॉमन ले लेते हैं। अगर एक्स को कॉमन ले लिया जाएगा तो अंदर कितना बचेगा, वन प्लस लॉग एक्स, और बाहर से डी एक्स को बच्चों एज इट इज रहने देंगे। इसके बाद फिर से बच्चों क्या लगेगा इसमें, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसके लिए मैं वन प्लस लॉग एक्स को क्या ले लूंगा, टी ले लूंगा। अब इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करूंगा फिर से किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, यानी कि डी बाई डी टी ऑफ वन प्लस लॉग एक्स इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ टी। बच्चों वन क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, जीरो। अब प्लस साइन ऐसे ही आएगा, लॉग एक्स, बच्चों लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन एक्स। अब x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, dx बाई dt इक्वल टू बच्चों dt बाई dt कितना होगा, वन। इसका मतलब बच्चों जो dx की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, x dt आएगी, ठीक है, इस x dt को क्रॉस मल्टीप्लाई में लेकर गए। अब इसके बाद बच्चों हम इसको इंटीग्रेट कर रहे थे, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन था इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स डीएक्स था। सबसे पहला स्टेप क्या था बच्चों, यहां से एक्स को कॉमन ले लेना था, और नीचे क्या बचता, वन अपॉन एक्स इन ब्रैकेट में वन प्लस लॉग एक्स डीएक्स। फिर बच्चों डिनोमिनेटर में एक्स को तो ऐसे ही रहने दो, लेकिन वन प्लस लॉग एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दो, टी। और जो डीएक्स है उसकी वैल्यू क्या पुट कर दो, एक्स डीटी। तो बच्चों एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, कैंसल, जो बचेगा क्या बचेगा, इंटीग्रेशन वन अपॉन टी डी टी। अब वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों, लॉग टी, और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी भी जुड़ेगा। अब आखिरी स्टेप क्या होगा बच्चों, टी की वैल्यू यहां पे पुट कर दी जाएगी, और टी की वैल्यू क्या है, वन प्लस लॉग एक्स। तो यानी कि जो फाइनल आंसर आएगा कितना आएगा, लॉग ब्रैकेट में वन प्लस लॉग एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस सी, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो समझना बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है, इंटीग्रेट साइन एक्स साइन ब्रैकेट कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसमें भी बच्चों कौन सा मेथड लगेगा, सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले कॉस एक्स को क्या लेंगे, टी। अब इस इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे,
विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डी बाई डी टी ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ टी। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा बच्चों, माइनस साइन एक्स, और फिर एक्स का दोबारा करेंगे तो कितना आएगा डी एक्स बाई डी टी। डी टी बाई डी टी कितना आएगा बच्चों, वन, तो डी एक्स की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स। इतना समझ में आया। अब बच्चों वापस क्वेश्चन पे आते हैं, हम किसको इंटीग्रेट कर रहे थे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स साइन कॉस एक्स डी एक्स। इतना समझ में आया। तो बच्चों इंटीग्रेशन साइन एक्स को ऐसे लिखो, इस साइन को भी ऐसे लिखो, कॉस टी की जो सॉरी कॉस एक्स की जगह पे क्या पुट कर दो बच्चों, टी, कॉस एक्स की जगह पे क्या पुट कर दो, टी, और ये जो डी एक्स है इसकी वैल्यू क्या पुट कर दो, डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स। इतना समझ में आया बच्चों, साइन एक्स से साइन एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसल, और ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस इंटीग्रेशन साइन टी डी टी। अब साइन टी का इंटीग्रेशन कितना होता बच्चों, माइनस कॉस टी, तो माइनस माइनस कॉस टी, साथ में इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट क्या आएगा, सी, यानी कि प्लस सी। अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस, यानी कि जो आंसर आएगा प्लस कॉस टी प्लस सी, और लास्ट में क्या करेंगे, टी की वैल्यू पुट कर देंगे, और टी की वैल्यू कितना बच्चों, कॉस एक्स, तो यानी कि जो आंसर आएगा कॉस कॉस एक्स प्लस सी। तो बच्चों चौथा क्वेश्चन भी सबके समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे बच्चों किसकी, पांचवें क्वेश्चन की। जो पांचवा सवाल है वो क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी बाहर से टी एक्स। ठीक है, अब ये भी बच्चों किससे होगा, सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, और सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कॉस ए एक्स प्लस बी को क्या ले लिया बच्चों, टी। ठीक है, अब ए एक्स प्लस बी को टी लोगे, एक काम करो इसको शॉर्ट तरीके से करते हैं, टू से मल्टीप्लाई करते हैं, टू से डिवाइड कर देते हैं। मैं लिखता हूं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टू। तो बच्चों जब टू से मल्टीप्लाई करेंगे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन टू साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन टू, और बाहर से क्या आएगा, डी एक्स। अब बच्चों टू साइन एक्स कॉस एक्स फॉर्मूला क्या होता है, साइन टू एक्स, तो ये क्या फॉर्मूला बनेगा, साइन टू टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन टू डी एक्स। बच्चों यानी कि वन अपॉन टू तो बाहर आ जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा अंदर, इंटीग्रेशन साइन टू ए एक्स प्लस बी डी एक्स। देखो बच्चों यहां पर कोई एक फॉर्मूला लगा है ट्रिग्नोमेट्री का, वो कौन सा लगा है, टू साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू साइन टू एक्स, और यहां पे ये जो एंगल एक्स था इसके जगह पे क्या है, ए एक्स प्लस बी, तो क्या लिख दिया, साइन टू ए एक्स प्लस बी। इतना समझ में आया। अब सीधे सीधे क्या करेंगे, लेट टू टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस बी को क्या ले लिया जाएगा बच्चों, टी। अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। मैं लिखता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यानी कि डी बाई डी टी ऑफ टू टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ टी। बच्चों यही होगा। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो टू तो बाहर आ जाएगा, और क्या लिखेंगे, डी बाई डी टी ऑफ ए एक्स प्लस बी, और डी टी बाई डी टी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, वन, तो टू तो ऐसी रहेगा। ए एक्स को जो डिफरेंशिएट करेंगे ए तो बाहर आ जाएगा, और एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, डी एक्स बाई डी टी। बी का डिफरेंशिएशन कितना आएगा बच्चों, जीरो इक्वल टू वन,
यानी कि बच्चों जो dx की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, dt अपॉन 2a। इतना समझ में आया, इस dt को यहां क्रॉस में फेंका और 2a को यहां नीचे फेंका। तो हम जो इंटीग्रेट कर रहे थे बच्चों किसे कर रहे थे, इसे कर रहे थे। तो इंटीग्रेट करने का तरीका क्या होगा, इक्वल टू वन अपॉन टू, तो ऐसे लिखा जाएगा इंटीग्रेशन साइन बच्चों 2ax प्लस बी की वैल्यू पूरी क्या की जाएगी, बच्चों ये 2ax प्लस बी इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे, t। तो क्या पुट करा, t, समझ में आया। अब इसके बाद dt की वैल्यू क्या पुट करेंगे, सॉरी dx की वैल्यू क्या पुट करेंगे, dt अपॉन 2a। इतना समझ में आया। अब बच्चों ये 2a तो कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा, तो 1 अपॉन 2 इंटू 2a और इंटीग्रेशन क्या होगा, sin t dt। बच्चों इसको तो लिखेंगे 1 अपॉन 4a, sin t का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस cos t, और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या जुड़ेगा, c। अब t की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ ax प्लस b, तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा 1 अपॉन 4a माइनस cos 2 टाइम्स ऑफ ax प्लस b प्लस c। बच्चों ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं एक बार और रिवाइज करा दूं, ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लग रहे हैं। बच्चों इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस डी डी एक्स, सबसे पहला स्टेप 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, तो 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा, फिर फॉर्मूला लगाया किसका, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, उसकी वैल्यू कितनी होती है साइन 2x। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा 2 साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, साइन 2 ए एक्स प्लस बी। ये जो एंगल था इसका डबल कर दिया, समझ में आया, और बाहर से साइन लिख दिया। अब बच्चों इस 2 को बाहर लेकर गए और सिर्फ किसको इंटीग्रेट करा, साइन 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब बच्चों 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस बी को क्या ले लिया हमने, टी, और इसको डिफ्रेंशिएट करा किसके रेस्पेक्ट में, टी के। तो जब t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा किसकी वैल्यू निकाली बच्चों, dx की, और कितनी आई, dt अपॉन 2a। अब इक्वल टू क्या लिखा हमने, 1 अपॉन 2 को तो ऐसे लिखा, इस 1 अपॉन 2 को ऐसे लिखा, साइन को भी ऐसे लिखा, ये जो पूरा एंगल था इस पूरे एंगल की वैल्यू क्या पुट करी, t, और dx की वैल्यू क्या पुट करी बच्चों, dt अपॉन 2a। ये जो dx था इसकी वैल्यू क्या पुट करी, dt अपॉन 2a यहां से। अब ये जो 1 अपॉन 2a था बच्चों इसको बाहर ले लिया, तो 2 इंटू 2a क्या हो गया, 1 अपॉन 4a, और जो sin t था इसको सीधे सीधे क्या करा, इंटीग्रेट करके क्या लिख दिया, माइनस cos t। और t की वैल्यू क्या थी बच्चों, कहां गया, t की वैल्यू क्या थी, 2 टाइम्स ऑफ ax प्लस b, तो यहां पर को 1 अपॉन 4a माइनस cos, और t की वैल्यू क्या पुट कर दी, 2 टाइम्स ऑफ ax प्लस b प्लस c। इतना समझ में आया। अब इसके बाद बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या था हमसे, इंटीग्रेट करो अंडर रूट ए एक्स प्लस बी को किसके रेस्पेक्ट में, डीएक्स के रेस्पेक्ट में। बच्चों ये भी आसान है, सबसे पहले ए एक्स प्लस बी को क्या लिया जाएगा बच्चों, टी। इसके बाद बच्चों डिफरेंशिएट करो इसको किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा बच्चों, डी बाई डी टी ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ टी। इतना समझ में आया। अब बच्चों यहां पर से ए को तो बाहर ले लोगे, और एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, डी एक्स बाई डी टी, और बी का डिफरेंशिएशन कितना होगा, जीरो। बच्चों डी टी बाई डी टी की वैल्यू कितनी आएगी, वन। तो बच्चों यहां से जो डी एक्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, डी टी अपॉन ए। इतना समझ में आया। अब इसके बाद हम जो इंटीग्रेट कर रहे थे बच्चों किसको कर रहे थे, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो बच्चों इंटीग्रेशन ऐसे रहेगा, और ए एक्स प्लस बी की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, टी, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, इंटीग्रेशन अंडर रूट और ए एक्स प्लस बी की वैल्यू क्या पुट करी जाएगी, टी, और डी एक्स की वैल्यू क्या पुट की जाएगी बच्चों, डी टी अपॉन। अब ये a तो कांस्टेंट होगा, तो इसको बाहर ले लेंगे क्या आएगा, 1 अपॉन a इंटीग्रेशन अंडर रूट t, यानी कि t की पावर कितनी होगी बच्चों, 1 बाई टू, ठीक है। ये अंडर रूट t को क्या लिखा, t की पावर 1 बाई टू। ऐसा फिर से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन x की पावर n,
वो क्या होता है इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो यानी कि बच्चों वन अपॉन ए तो ऐसे रहेगा, टी की पावर वन बाई टू प्लस वन अपॉन वन बाई टू प्लस वन और साथ में इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी, तो बच्चों वन अपॉन ए तो ऐसे रहेगा, टी की पावर ए कितना हो जाएगा थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू प्लस सी। तो आगे बच्चों सॉल्व करके लिखेंगे तो ये कितना आएगा टू अपॉन थ्री ए, इसको घुमा के ऊपर लेकर चले गए। अब टी की वैल्यू कितनी थी ए एक्स प्लस बी, साथ में क्या आएगा ए एक्स प्लस बी, क्या करा बच्चों हमने टी की वैल्यू पुट करी और इसकी पावर कितनी थी थ्री बाई टू और साथ में प्लस सी। इतना समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर छठे के बाद बच्चों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेवंथ की। जो क्वेश्चन नंबर सेवंथ है वो क्या बच्चों इंटीग्रेशन एक्स अंडर रूट एक्स प्लस टू डी एक्स। इतना समझ में आया। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों एक्स प्लस टू को क्या ले लेते हैं टी, फिर इस इक्वेशन को फिर से किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा जाएगा टाइम के रेस्पेक्ट में, तो यानी कि बच्चों डी बाई डी टी ऑफ एक्स प्लस टू यानी कि डी बाई डी टी ऑफ टी। बच्चों एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा डी एक्स बाई डी टी, टू का डिफरेंशिएशन जीरो और डी टी बाई डी टी कितना आ जाएगा वन, यानी कि बच्चे डी एक्स किसके बराबर आएगी डी टी के बराबर। इतना समझ में आ गया। अब जिस चीज को हम इंटीग्रेट कर रहे थे वापस उसी चीज पे आते हैं, किसको इंटीग्रेट कर रहे थे बच्चों एक्स अंडर रूट एक्स प्लस टू डी एक्स। इतना समझ में आया बच्चों एक्स प्लस टू की वैल्यू क्या पुट की जाएगी टी, तो बच्चों एक्स प्लस टू की वैल्यू क्या पुट कर दो टी, ये जो एक्स है इसकी वैल्यू क्या पुट की जा सकती है टी माइनस टू। कैसे बच्चों एक्स प्लस टू को हमने टी लिया था तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए टू को यहां से इधर फेंक दो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी टी माइनस टू, तो एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे बच्चों टी माइनस टू और डी एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों डी टी। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा इंटीग्रेशन टी रूट टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन टू रूट टी डी टी। बच्चों इसको क्या कर दिया अंदर अब मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है, और अब क्या लिखा जा सकता है टी रूट टी को क्या लिख सकते हैं टी की पावर थ्री बाई टू और बाहर से डी टी बच्चों ऐसी रहेगा, टू को बच्चों बाहर ले लेंगे अंदर क्या बचेगा रूट टी का मतलब टी का मतलब सॉरी अंदर क्या बचेगा टी की पावर वन बाई टू डी टी। इतना समझ में आया। अब बच्चों टी की पावर थ्री बाई टू का इंटीग्रेशन कितना होगा टी की पावर थ्री बाई टू प्लस वन अपॉन थ्री बाई टू प्लस वन माइनस टू ऐसी रहेगा बच्चों टी की पावर वन बाई टू का इंटीग्रेशन कितना होगा टी की पावर वन बाई टू प्लस वन अपॉन वन बाई टू प्लस वन। कौन सा फॉर्मूला लगा एक्स की पावर एन का एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन ठीक है। अब बच्चों थ्री बाई टू प्लस वन कितना होता है टी की पावर फाइव बाई टू, थ्री बाई टू वन कितना बच्चों फाइव बाई टू, तो इसको क्या लिखेंगे टी की पावर फाइव बाई टू और नीचे भी क्या आएगा बच्चों फाइव बाई टू उसको मैं रेसिप्रोकल करके टू बाई फाइव लिख लू, ये कितना था बच्चों टू प्लस थ्री फाइव, फाइव पॉइंट टू उसको रेसिप्रोकल करके कितना लग गया टू बाई फाइव माइनस बच्चों टू को तो ऐसे रहने दिया वन बाई टू प्लस वन कितना आएगा बच्चों थ्री बाई टू, तो इसको क्या लिखेंगे टी की पावर थ्री बाई टू और नीचे भी क्या आएगा बच्चों थ्री बाई टू और थ्री बाई टू को अगर मैं रेसिप्रोकल करके करूँ ये कितना आएगा बच्चों टू बाई थ्री साथ में इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी ऐसी आएगा। इतना समझ में आया बच्चों। अब इसके बाद इक्वल टू बच्चों टी की वैल्यू कितनी थी एक्स प्लस टू, टी की वैल्यू कितनी थी एक्स प्लस टू, तो जो फाइनल आंसर आएगा टू बाई फाइव एक्स प्लस टू की पावर फाइव बाई टू माइनस टू और टू को क्या करेंगे बच्चों मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा फोर अपॉन थ्री टी की पावर थ्री बाई टू यानी कि एक्स प्लस टू की पावर थ्री बाई टू प्लस सी। इतना समझ में आया बच्चों। अब बच्चों आज का आखिरी सवाल ठीक है, आज का आखिरी सवाल
बच्चों क्वेश्चन नंबर आठवा, एट्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इंटीग्रेट एक्स अंडर रूट वन प्लस टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करो। तो क्या करेंगे बच्चों, वन प्लस टू एक्स स्क्वायर को टी लेट करेंगे, तो मैं लिखता हूं लेट वन प्लस टू एक्स स्क्वायर इक्व टू टी। फिर से बच्चों इसको क्या करा जाएगा, डिफरेंशिएट किया जाएगा किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। ये जो चीज है बच्चों इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यानी कि क्या लिखा जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ वन प्लस टू एक्स स्क्वायर इक्व टू डी टी बाई डी टी। अब बच्चों वन का डिफरेंशिएशन कितना होगा, जीरो, और टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, टू, तो बच्चों ऐसे ही रहेगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, चलो एक काम करते हैं अच्छे से लिख के दे देते हैं, ठीक है, शॉर्ट नहीं मारते हैं। तो क्या लिखते हैं बच्चों, डी बाई डी टी ऑफ वन प्लस डी बाई डी टी ऑफ टू टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। बच्चों डी टी बाई डी टी की वैल्यू कितनी आएगी, वन। बच्चों डी वन बाई डी टी की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। इसमें टू को बाहर कॉमन ले लिया जाएगा, और किसको डिफरेंशिएट किसको करेंगे, एक्स स्क्वायर को, और ये किसके बराबर आएगा, इक्वल टू वन, ठीक है। जीरो प्लस टू टाइम्स ऑफ डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी इक्व टू वन, तो जीरो को रहने देते हैं, टू को एज इट इज लिखा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा बच्चों, टू एक्स, फिर एक्स का दोबारा करेंगे तो डी एक्स बाई डी टी, और ये किसके बराबर आएगा, वन के बराबर। तो बच्चों यहां से जो डी एक्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, डी टी अपॉन फोर टाइम्स ऑफ एक्स, टू इंटू टू कितना जाएगा, फोर, तो फोर एक्स को क्या कर दिया बच्चों, डिवाइड हुआ। अब इसके बाद कैसे होगा बच्चों, हम जो इंटीग्रेट कर रहे थे पहले उसी को नोट करते हैं। हम किसको इंटीग्रेट कर रहे थे, एक्स प्लस अंडर रूट, सॉरी एक्स अंडर रूट वन प्लस टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर रहे थे, समझ में आया। अब बच्चों वन प्लस टू एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट की जाएगी, टी, तो एक्स को ऐसे रहने दिया, इंटीग्रेशन का साइन भी ऐसी रहा, अंडर रूट के अंदर क्या लिख देंगे, टी, और डी एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे बच्चों, डी टी अपॉन फोर एक्स। बच्चों एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कैंसल, वन अपॉन फोर तो बच्चों बाहर आएगा, अंदर क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन अंडर रूट टी डी टी। अब बच्चों वन अपॉन फोर एज इट इज, अब अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन मतलब टी की पावर वन बाई टू का इंटीग्रेशन। अब टी की पावर वन बाई टू का इंटीग्रेशन कौन सा लगेगा बच्चों, फिर से फॉर्मूला लगेगा किसका, एक्स की पावर एन का, यानी कि टी की पावर वन बाई टू प्लस वन अपॉन वन बाई टू प्लस वन, लास्ट में क्या आएगा बच्चों, प्लस सी। तो यानी कि वन अपॉन फोर तो बच्चों ऐसे ही रहेगा, ये क्या आएगा, टी की पावर थ्री बाई टू अपॉन, इसको भी क्या लिखेंगे बच्चों, थ्री बाई टू में, ठीक है, वन बाई टू प्लस वन की वैल्यू भी क्या पुट करी, थ्री बाई टू प्लस सी। बच्चों इस टू से फोर कितने टाइम्स आएगा, टू टाइम्स, तो जो आंसर आएगा कितना आएगा बच्चों, वन अपॉन सिक्स टी की पावर थ्री बाई टू, मतलब वन प्लस टू एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू। बच्चों थ्री टू जा सिक्स को ऐसे लिखा है, टी की पावर थ्री बाई टू का मतलब वन प्लस टू एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू प्लस सी। ये क्या आ गया बच्चों, हमारा फाइनल आंसर। तो बच्चों बाकी क्वेश्चन कल कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना ही।